कोविड मृतक का शव देने से निजी अस्पताल ने इनकार कर दिया। कहा पहले पैसे भरो, उसके बाद ही शव दिया जाएगा। ये मामला है कुणाल अस्पताल का, जहां के डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। निजी अस्पतालों द्वारा हो रही लूटपाट पर महानगर पालिका के लगाम कसने के बावजूद भी ये अस्पताल बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में दिनों दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों से लूट के मामले भी बढ़ रहे हैं। महानगर पालिका द्वारा इन अस्पतालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके निजी अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुणाल अस्पताल के डॉक्टर श्रीवास्तव ने पीड़ित के परिजनों से पैसे की मांग की। इस बात की जानकारी सामाजिक प्रतिनिधि विक्की बढ़ेल ने दी, साथ ही उन्होंने अस्पताल पहुंचकर इस लूटपाट का विरोध भी किया। मेरा नाम विक्की बढ़ेल, मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ नागपुर शहर के नागरिकों का। अभी हम ये कुणाल हॉस्पिटल के बाहर में खड़े हैं। आज से 5 दिन पहले चुटेलकर नाम के एक मेरे दोस्त हैं, उनके दादाजी को यहाँ पर मैं एडमिट किया गया था कोविड पॉजिटिव पेशेंट के नाम से। और वो उनको एडमिट करने के बाद में हमारे जो अंकल जी हैं, इन्होंने यहाँ पर मैं डिपॉजिट के तौर में 2.5 लाख रुपये भरा था। और डिपॉजिट 2.5 लाख रुपये भरने के बाद में आज 5 दिन बाद में उनका आज अंतिम संस्कार हो चुका है। आज ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं कि पूरे नागपुर शहर में कोरोना चल रहा है, जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों का लूटमार मचा हुआ है। 2.5 लाख रुपये हमने भरने के बाद भी हमारे पेशेंट को सही सलामत हमारे को वापस नहीं लौटा गया। आज हमको उनका मृतदेह इस दवाखाने से लेकर के जाना पड़ रहा है। आज ऐसी परिस्थिति है, जब हॉस्पिटल में हमने जब बिलिंग सेक्शन में इस प्रकार की घटना कैसी हुई जब जानकारी लेने गए, तो उल्टा हमारे से पेशेंट के बारे में सारी चीज़ें बताने के अलावा पहले बोले बाकी का पेमेंट करो और अपना बॉडी लेके जाओ, इस तरीके का वाहियात शब्दों का विवरण वो हमारे साथ में करने लगे। और जो भी बिलिंग का है वो हम बाद में आपको बिलिंग का करेंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि पहले हमने 2.5 लाख रुपये भरा, उसके बाद में और भी यहाँ पर में हमको हमारी बॉडी लेके जाने के बाद में पैसा भरना है। हमारा पेशेंट सही सलामत तो हमारे हाथ लगा नहीं, उनका देहांत हो गया और सिर्फ 5 दिन का 2.5 लाख रुपये टोटली खर्चा हो चुका है, ऐसा डॉक्टर श्रीवास्तव सर का कहना। अभी मैंने हाल ही में उनसे बात किया फ़ोन करके, तो बोले आप पेशेंट का मृतदेह यहाँ से लेकर के जाओ, बिलिंग का कोई भी यहाँ पर मैं सवाल जवाब होगा नहीं, बिलिंग आपको उल्टा भरना है। यानी उसके बारे में हम आपको पूरा बिल से लेकर के पूरा माहिती और एक डॉक्यूमेंट बोले आने वाले 1-2 दिन में हम आपको देंगे बोले। यानी 2.5 लाख रुपये भरा है और उसके बाद में भी और भरना ही है और पेशेंट हमारे हाथ नहीं लगा, इस तरीके का प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लूटमार मची है तो हमारा परिवार और ये पूरा नागपुर शहर हालाकान है। ऐसी परिस्थिति किसी और के साथ ना हो, ऐसी हमारी कंटिन्यू है भगवान की अपेक्षा है। इसके मिनट के अंदर 1,60,000 रुपये कहाँ से लाए हमारा, हमारे मालूम है। और इन्हीं का 4 दिन 5 दिन में पेशेंट, 5 दिन से यहाँ पर पेशेंट है, 5 दिन से पेशेंट रहने के बाद इन्होंने हमको इतल्ला दिए गए कि आपको पैसे भरना है, कोई इतल्ला नहीं दिया हमको। और आज हमको बॉडी लेने के ऊपर बोल रहे हैं कि हमको आपको 3 लाख रुपये भरना है, तो हम कहाँ से भरेंगे 3 लाख रुपये गरीब आदमी। 90,000 पास में देने के बाद में पेशेंट उन्होंने नहीं लिया। हमारा पेशेंट यहाँ पर 6 बजे आने के बाद में 9-11 बज गए उस पेशेंट को अंदर लेने के लिए, जब तक का पूरा 2.5 लाख रुपये पेड नहीं किया। 2.5 लाख रुपये पेड करने के बाद अंदर उन्होंने लिया है। और इस 5 दिन की अवधि में हमें उन्होंने 2.5 लाख के बाद में कभी बोला नहीं है कि हमारे को 1 रुपये भी भरना है करके, इसकी जानकारी दिए नहीं है। अब पेशेंट ले जाने के लिए टाइम पे बोल रहे हैं कि तुमको 3 लाख रुपये और डिपॉजिट करना है। अब हम गरीब आदमी कहाँ से 3 लाख रुपये लाएगा, ना ही हमको 1-2 दिन पहले इन्होंने इन्फॉर्म किया कि पैसा भरना है या कुछ जानकारी दी अंदर की। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस जो भी चल रहा है ये गोरख धंधा, इसको आप बंद कराया करें। और हमारे परिवार में अब इतना बड़ा आघात पड़ा हुआ है, इसके लिए आप समझ सकते हैं। इनको जब हमने लेकर आए यहाँ पे, तो इनको सबसे पहले इन्होंने पेशेंट को अंदर लेने के पहले बोले कि इनको 2.5 लाख रुपये दो। 2.5 लाख रुपये हमने चेक देने के बाद में इन्होंने चेक नहीं लिया, बोले आप अपना पेशेंट वापस ले जाओ। जब हमने 2.5 लाख रुपये दिए, जब इन्होंने पेशेंट को अंदर किए, पेशेंट अंदर लेने के बाद में 5 दिन इन्होंने हमारे पेशेंट को नहीं रखे। 5 दिन के बाद में आज डेथ बॉडी देने के समय बोल रहे हैं और 3 लाख रुपये देना पड़ेगा तुमको। जब हमने यहाँ शोर शराबा किए कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, यहाँ पे अभी हमारी जेब में 1 रुपये नहीं है, तो इनका कहना ऐसा है हॉस्पिटल वालों का, अभी आप बॉडी लेके जाओ। सर ये आज अभी हमको बॉडी देंगे और कल हमको डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये हॉस्पिटल वाले अपना रिकॉर्ड नहीं भेजेंगे। जब हमको प्रेशर डालेंगे कि आप पहले अपना हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लाओ, जब हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड नहीं देंगे और उसके बाद में हॉस्पिटल वाले हमको ये बोलेंगे कि आप पहले बिल पेड करो, उसके बाद में हम आपका रिकॉर्ड देंगे, तो सर ये कहाँ का न्याय है।